राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले समझौता लागू करने की मांग को लेकर पिछले 20 दिनों से किए जा रहे आमरण अनशन को आज पटवारियों ने स्थगित कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र नेमीवाल के साथ ही अन्य पटवारियों की तबीयत खराब होने के बाद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने सभी को जूस पिलाकर इस आमरण अनशन को समाप्त किया और साथ ही एक साथ ही राजस्थान राजस्व मंडल के बाहर किए गए महापड़ाव को भी समाप्त कर दिया। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष और पटवारियों का कहना है कि सरकार के खिलाफ उनका विरोध जारी रहेगा, वो अपनी मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से लड़ते रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार ने बताया कि राजस्थान सरकार ने उनके साथ 3 जुलाई और 4 अक्टूबर 2022 को 7 सूत्रीय मांगों को लेकर समझौता किया था, लेकिन अब तक उस जानकारी के लिए आपको बता दें कि उस समझौते को लागू नहीं किया गया, जिस कारण प्रदेश भर के पटवारियों में विरोध है और इसी विरोध को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। जब तक उनकी मांगों पर पूर्ण सहमति नहीं बनेगी वो आंदोलन जारी रखेंगे। जी राजेंद्र जी बताइए आज क्या रहा? राजस्थान पटवार संघ हमेशा से कर्मचारी जगत के लिए अग्रणी भूमिका में रहा है। हम लोगों ने संघर्ष किया, उसके परिणाम स्वरूप 3 जुलाई को और 4 अक्टूबर को हमारे साथ राज्य सरकार का समझौता हुआ था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर। उस समझौते की पालना नहीं होने के विरोध स्वरूप हमने 14 नवंबर को यहाँ आमरण अनशन शुरू किया। मेरे द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया और साथियों द्वारा पूरे राजस्थान के जिलों द्वारा पूरा सहयोग करते हुए और बाद में इस कड़ी में काफ़ी साथी जुड़े, हमारी दो बहनें भी जुड़ी और दो साथी तो मेरे बाद कुछ ही दिनों बाद लगातार आमरण अनशन पे जुड़े रहे। रामनिवास जी जाटव धौलपुर जिला अध्यक्ष और बुद्धाराम जी झाझड़ा नागौर जिला अध्यक्ष। सरकार हमारे साथ वार्ताओं का दौर लगातार जारी रखे हुए थी। सरकार समझौते के ऊपर एक समझौता करना चाहती थी, जबकि हमने प्रण लिया था कि हम जो भी लेंगे उसके आदेश लेंगे, कोई भी समझौता नहीं करके आएंगे। सरकार बार बार ये कह रही थी कि हम दो चीज़ें कर देते हैं, हम तीन चीज़ें कर देते हैं, बाकी के लिए आप समझौता कर लो, टाइम चाहिए। हमने निश्चित रूप से ये कह दिया है कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों को मानने वाले हैं और प्रण हमें प्राणों से भी प्रिय होता है। हमारा प्रण था कि हम किसी भी स्थिति में समझौता नहीं करके आएंगे, हम बगैर कोई समझौता किए राज्य सरकार की असंवेदनशीलता को देखते हुए। और आज 20 दिन बाद ये आमरण अनशन हमने हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी साथी से जूस पी करके स्वेच्छा से हम इस आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं और यही मांग करते हैं कि राजस्थान के कर्मचारियों को, राजस्थान की सरकार को, राजस्थान के पटवारियों ने ये दिखाया है कि आंदोलन ऐसे भी होते हैं जब हम दबाव में समझौता नहीं करके आते, आदेश लेके आते हैं। हमारी प्रमुख मांगे थी कि 3 जुलाई और 4 अक्टूबर के समझौते के जो बिंदु बकाए रह गए हैं, जैसे हमारा कैडर पुनर्गठन करना, जिसमें हम जिलों से प्रस्ताव भी इन लोगों ने मांगे, बोर्ड ने प्रस्ताव आगे भी भेजे, 1:3 के अनुपात में गिरदावर के पदों का सृजन करना, पटवारी का ग्रेड पे 2800 और वरिष्ठ पटवारी का ग्रेड पे 3600 करना, नायब तहसीलदार के पद को गजटेड और 100% पदोन्नति से भरते हुए, तहसीलदार को 50% पदोन्नति से, कोटा और सवाई माधोपुर के वेतन जो रुका हुआ था आंदोलन अवधि का उसका भुगतान करने, और जो कार्य व्यवस्थार्थ लोग लगाए गए उन पदों को रिक्त मानते हुए उनके स्थान पर एडोक पदोन्नति करने, और जो मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज हो गए थे उन मुकदमों को वापिस लेने के संबंध में, इस तरह से हमारा 7 सूत्री मांग पत्र जो था उसको लेकर के हमने संघर्ष किया। सरकार ने कुछ नहीं माना अभी तक? सरकार तीन चीज जो है, कोटा संभाग का वेतन और मुकदमे वापिस लेना और जो हमारा स्थानांतरण नीति में जो 9B है उसको सशर्त कुछ शर्तों के साथ जोड़ के और उसको जो है आदेश देने के लिए तैयार थी, जबकि हमने ये कहा कि आप हमारी प्रमुख मांग ग्रेड पे वाली और कैडर पुनर्गठन पर यदि
आदेश जारी नहीं करते हो तो हम किसी भी प्रकार से जो है संतुष्ट नहीं है। सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने जो है बार बार यही कहा कि इनका टाइम लगता है, लेकिन हम तो सरकार को पहले ही 14 महीने का समय दे चुके हैं। कहीं न कहीं राज्य सरकार को भी लोगों द्वारा मिसगाइड किया जा रहा होगा। अब हमारी अगली रणनीति क्या रहेगी? अगली रणनीति में आज हमने आमरण अनशन जो है यहाँ से तुड़वा लिया है। हमारा काम, हम जो हमारा कर्तव्य है फील्ड में वो कर्तव्य करेंगे, लेकिन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जिस तरह भी सरकार का असहयोग कर सकते हैं, जिस तरह से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया, हमारा असहयोग सरकार से और असंतुष्टि हमारी लगातार जारी रहेगी।